अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मेरी एक गुजारिश है कि आप लोगों ने घरों में ही रहना है, और उम्मीद करती हूँ आप घरों में ही रहते होंगे, बाहर नहीं जाते होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि बाहर जाएंगे तो क्या होगा, जरासीम लग जाएंगे। और आपको पता है ये जरासीम जो है, ये जो वायरस है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। तो इससे हमने डरना नहीं, लड़ना है। वेरी गुड। तो आप अगर बाहर जाएं भी तो आपने क्या करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। और घर आके आपने क्या करना है जी, अपने कपड़ों को तब्दील करना है, बदलना है, और अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन से धोना है, या फिर आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ये तो होगी हिफाजत की बात। और आज हम नज़म हम्द का सवाल नंबर 6 करेंगे और 7 करेंगे, और जो कि आपके सफ़ा नंबर 4 पर है। आप जल्दी से अपनी किताबें लीजिए और सफ़ा नंबर 4 खोलिए, ताकि हम सफ़ा नंबर 4 पे जो सवाल नंबर 6 और 7 है वो जल्दी से किताबों पे हल कर सकें। आपने चूंकि ग्रेड 5, आपको पता है कि आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप नीट राइटिंग इस्तेमाल कीजिएगा, नीट राइटिंग कीजिएगा, ताकि काम किया हुआ किताब पे बेहद खूबसूरत लगे। आपने काम करते वक्त दिन और तारीख लाजमी लिखनी है। जिस दिन भी आप काम करें, जिस दिन भी आपको टाइम मिला है और आप काम कर रहे हैं, तो आपने दिन और तारीख उसके ऊपर लाजमी लिख दें। और इंतहाई नीट राइटिंग इस्तेमाल करते हुए आपने किताब वाला काम करना है। आज हम अल्फाज मुतरादिफ़ और अल्फाज मुतज़ाद करने जा रहे हैं। अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं, हम मायनी सॉरी अल्फाज मुतरादिफ़ क्या होते हैं, हम मायनी अल्फाज, इसकी तारीफ़ भी आपकी किताब पे लिखी हुई है। ऐसे अल्फाज जो पढ़ने में तो मुख्तलिफ हों मगर इनके मायनी एक हों, ऐसे अल्फाज को उर्फ़े आम में हम मायनी अल्फाज भी कहते हैं, जैसे पाक, साफ, बुलंद, ऊंचा। तो आज हम यही अल्फाज मुतरादिफ करेंगे। अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं, हम मायनी अल्फाज इनके मायनी एक जैसे हों, यानी कि अल्फाज के अगर मायनी लिखते हैं तो वो हम मायनी अल्फाज हो जाते हैं, और ये वही मुतरादिफ भी कहलाते हैं। पहले हम मुतरादिफ कर लेते हैं, फिर हम मुतज़ाद डिस्कस करेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है, ज़ाहिर, ज़ाहिर, ज़ाहिर। ज़ाहिर का क्या मतलब होता है, आयाँ, आयाँ, आयन यलिफ़िया नून गुन्ना, आयाँ, ज़ाहिर, आयाँ, ज़ाहिर, आयाँ, ज़ाहिर, आयाँ। समा, 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 मंज़र, समा, मंज़र, समा, मंज़र। अब मंज़र किस तरह लिखते हैं, मीम, नून, ज़ोए, रे, मंज़र, समा, मंज़र। जाड़ा, 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 सर्दी, जाड़ा, सर्दी। सीन, रे, दाल, छोटी ये, सर्दी, जाड़ा, सर्दी। नादिर, 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 अनमोल, अनमोल, नादिर, अनमोल, नादिर, अनमोल। अलिफ, नून, मीम, वाव, लाम, अनमोल, नादिर, अनमोल। महक, 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 खुशबू, महक, खुशबू, महक, खुशबू, महक, खुशबू। खे, वाओ, शीन, बे, वाओ, खुशबू, महक, खुशबू, महक, खुशबू। शे, 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 चीज, शे, चीज, शे, चीज। चे, ये, जे, चीज, चे, ये, जे, चीज, शे, चीज, शे, चीज। रुत, 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 मौसम, रुत, मौसम, रुत, मौसम, रुत, मौसम। मीम, वाओ, सीन, मीम, मौसम, रुत, मौसम, रुत, मौसम। कवि, 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 मजबूत, कवि, मजबूत, कवि, मजबूत। मीम, ज़ाद, बे, वाओ, तोए, मजबूत।
कवि मजबूत। एक बार फिर हम इसकी दोहराई करेंगे, मेरे साथ साथ आप पढ़िएगा। जाहिर आया, जाहिर आया। समा मंजर। जाड़ा सर्दी, जाड़ा सर्दी। नादिर अनमोल, नादिर अनमोल। महक खुशबू, महक खुशबू। शय चीज। रुत मौसम। कवि मजबूत, कवि मजबूत। उम्मीद करती हूँ आपको अल्फाज मुतरादिफ समझ आ गए होंगे। आज हम साथ इसके करेंगे सवाल नंबर 7, जो कि आप किताब पे ही करेंगे। मुतजाद होते हैं उलट, इन अल्फाज की जिद को मुतजाद कहा जाता है। खुश नुमाई का क्या होगा? बदनुमाई। बेदल बद, नून मीम अलिफ मा हमजा छोटी ये। बदनुमाई। नया पुराना। पे रे अलिफ नून अलिफ ना पुराना। नया पुराना। दिन रात। रे अलिफ ते रात। दिन रात। गर्मी सर्दी। सीन रे दाल छोटी ये सर्दी। गर्मी सर्दी। खजां बहार। बे हे अलिफ रे बहार। खजां बहार। सफाई गंदगी। गाव नूम दार गाव छोटिएगी गंदगी। सफाई गंदगी। अब एक दफ़ा फिर आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। खुशनुमाई बदनुमाई। नया पुराना। दिन रात। गर्मी सर्दी। खिजां बहार। सफाई गंदगी। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 6 और 7 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप सवाल नंबर 6 और 7 खुद करने के काबिल भी हो चुके होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किसी भी आपको अगर मुतरादिफ नहीं आ रहा या मुतजाद नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। लिखने में कोई परेशानी है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी इस क्यूरी को दूर करेंगे। हम ज़रूर आपको जवाब देंगे और आपके इस मसले का हल भी ज़रूर निकालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।